हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। तो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ अपने नए नुस्खे के साथ। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि कोई सस्ता नुस्खा बताएं जो ज़्यादा महंगा ना हो। तो दोस्तों, उन्हीं की बातों को मैं ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सस्ता और आसानी से बनने वाला और अच्छे रिजल्ट वाला नुस्खा मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा नुस्खा और सस्ता दूं, मगर मेरे कुछ भाई जो कई जगह से दवा खा चुके हैं, कई जगह पैसा बर्बाद कर चुके हैं, मगर रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो मैं अपने उन भाइयों के हिसाब से पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जो अच्छा रिजल्ट दे और जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक कर दे और उन्हें आगे दवा की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, जो नुस्खा अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा, जिसमें अच्छी भस्में डली होंगी, तो दोस्तों वो तो ऑटोमेटिक महंगा होगा ही। तो दोस्तों, अब कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी महंगी हैं, जैसे सोना भस्म हो गया, कस्तूरी हो गई, अंबर हो गया, चांदी भस्म हो गई। तो दोस्तों, ये चीज़ें थोड़ा महंगी होती हैं, तो इस वजह से ये जिन नुस्खों में डलती हैं उनका ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों, मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए नया नुस्खा लाया हूँ। ये नुस्खा, इसमें कोई भस्म यूज नहीं हुई है और जड़ी बूटियाँ यूज हुई हैं। अच्छा रिजल्ट भी है और सस्ता भी है। तो दोस्तों, आते हैं नुस्खे की तरफ। तो ये सबसे पहले है इसमें सतावर। दोस्तों, 100 ग्राम लेनी है आपको सतावर। उसके बाद सफ़ेद मूसली, विदारी कंद, तो ये भी दोस्तों 100-100 ग्राम लेनी है। आगे सालम पंजा, सालम मिश्री, तो दोस्तों ये 20-20 ग्राम लेनी है। शुद्ध कौंच के बीज, तो दोस्तों शुद्ध कौंच के बीज भी आपको 100 ग्राम लेने हैं। कुचला 10 ग्राम आपको लेना है। तो दोस्तों, ये शुद्ध कुचला आपको लेना है, शुद्ध किया हुआ, किसी पंसारी स्टोर से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हें आप बारीक पीस के पाउडर बना लें और उस पाउडर को कपड़े से छान लें। तो दोस्तों, उसके बाद इसकी आपको 60 खुराकें बनानी हैं, 60 खुराकें। तो 60 पुड़िया आप बना के रख लो, ये आपकी 1 महीने की हैं। सुबह शाम 1-1 पुड़िया आपको दूध में उबाल के लेनी है। उसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई में आप 1 गिलास दूध डाल दें, उसके अंदर 1 पुड़िया ये दवा डाल दें। लगभग दोस्तों आपकी ये 7-7.5 ग्राम की पुड़िया बनेगी। तो वो आप 1 पुड़िया डालें, दूध को उबालें और उसके बाद उसे हल्का गर्म पी लें। तो ये दोस्तों सुबह शाम आपको यूज करना खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, ये नुस्खा कुछ ही दिन में अपना रिजल्ट दिखाएगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, मगर अच्छा है, रिजल्ट इसका अच्छा है। तो ये नुस्खा दोस्तों आपको लगभग 1000 रुपये में पड़ जाएगा, 1000 में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मगर ये 1 महीने का आपका नुस्खा 1000 का पड़ेगा और 1 महीने में ही ये आपको काफ़ी हद तक ठीक कर देगा। जिन मेरे भाइयों को ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा टाइम से परेशानी है नामर्दी की, वो मेरे भाई से 2 महीने यूज कर लें। और वैसे इसे शौकिया तौर पे भी यूज किया जा सकता है, जिसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है वो भी यूज कर सकता, मगर मेरा वो भाई यूज करे जो शादीशुदा है। ठीक है दोस्तों, जिन भाइयों की शादी हो रखी है उन्हें कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नहीं है, अगर वो ये यूज करना चाहें तो वो भी ये यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस नुस्खे को यूज करें, नामर्दी वाले भाई से यूज करें, जिन्हें शुक्राणुओं की कमी है वो मेरे भाई यूज कर सकते हैं, जिनके अंदर वीर्य की कमी है वो मेरे भाई यूज कर सकते हैं, जिनके प्राइवेट पार्ट में ढीलापन रहता है वो मेरे भाई से यूज कर सकते हैं। तो भाइयों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिन मेरे भाइयों को धात की या स्वपन दोष की दिक्कत हो वो मेरे भाई से बिल्कुल यूज ना करें,
क्योंकि इससे उनकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। उन मेरे भाइयों के लिए मैंने पहले वीडियो डाली हैं दो, धात और स्वपन दोष वाली, वो नुस्खे आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे कुछ भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब सस्ता नुस्खा बताएं, काफ़ी परेशान थे मेरे वो भाई, तो उनके लिए, ख़ास करके उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे वो भाई फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप ये नुस्खा यूज करो, आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो दोस्तों मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करना। बाकी दोस्तों मैं अपना नंबर भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, किसी मेरे भाई को कोई जानकारी लेनी हो तो वो मेरा भाई मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर ले, ठीक है दोस्तों। आप प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज कर लें तो उसमें मैं आपकी ज़्यादा बेहतर हेल्प कर पाऊँगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ और मेरे भाइयों की कॉल आ जाती है तो मैं उनकी बात ठीक से नहीं सुन पाता, तो इसलिए मेरे भाई नाराज़ ना हों और आप मुझे वॉइस मैसेज करें। बाकी जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको खुद कहूंगा कि आप कॉल कर लीजिए, मैं आपसे बात भी करूंगा। तो मेरे भाइयों आप ये नुस्खा यूज करो और अपने इस भाई को दुआएं दो, आशीर्वाद दो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।